हेलो एवरीवन वेलकम अगेन आई एम विनय पांडे क्लास एलेवेंथ की आज की हमारी वीडियो है ट्रग्नोमेट्री तीन लेक्चर्स हम पहले ही कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो सर्कुलर सिस्टम था एक सर्कुलर के सर्कुलर सिस्टम के थ्रू हमने देखा था कि जीरो नाइन्टी नाइन्टी के मल्टीपल्स पे जो साइन कॉस्ट एंड इन सब की वैल्यूज़ हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं और ये भी देखा था कि जो साइन एंड कोसाइन फंक्शन हैं दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस क्यों क्योंकि उनकी वैल्यूज जो थी एक रेगुलर 360 के इंटरवल के बाद बार बार वो वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी आज का हमारा वीडियो उसी वीडियो पे बेस्ड है उसी से कुछ आगे कुछ टर्म्स और सीखने हम जा रहे हैं इसमें सो लेट स्टार्ट वीडियो Uh, जो हमने लास्ट वीडियो देखा था उसमें हमने एक सर्कल बनाया था यूनिट रेडियस का तो उसी सर्कल से कंटिन्यू करते हुए सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एक सर्कल हमने ड्रॉ किया था यूनिट रेडियस का दिस पॉइंट इज ओरिजिन ए ए डैश बी बी डैश एट दिस पॉइंट एंगल इज जीरो पॉइंट थ्री टाइज पाए टू पाए टू सेवेंटी डिग्री था टू क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन भी मैंने आपको बताया था कि एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड क्लॉक वाइज रोटेशन इज नेगेटिव तो आज हम देखते हैं सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑड एंड इवन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कंसेप्ट इसमें लगता है लेकिन अगर इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो आगे भी सीनियर क्लासेस में हायर एजुकेशन में ये टर्म ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन आपको मिलता रहेगा तो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन पे पहले फोकस करते हैं उसके बाद फिर हम इसके साइन पे आएंगे आ, अगर मैं इसी सर्कल में एक पॉइंट कंसिडर करूं ट दिस पॉइंट इस पी मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सेस अगर हम बात करें इस पी पॉइंट के कॉर्डिनेट्स की लेट द कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर एक्सकोमा और आपको याद होगा ये कार्डिशन कोआर्डिनेट्स को कैसे मैंने थीटा में कन्वर्ट किया था लास्ट वीडियो में देखा था ये जो एक्स कॉर्डिनेट है इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ रहा था कोसाइन के कॉस थीटा और साइन थीटा जो भी ये एंगल बन रहा होगा उसका थीटा कॉस और साइन के साथ हम लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमको मिल रहा था हमने लास्ट वीडियो में देखा था यूनिट रेडियस का सर्कल ये ध्यान में रखना है आपको आ, इसी पी पॉइंट को इतने ही एंगल पे अगर हम नीचे लें यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में p' डश हमने ले लिया और ये एंगल अभी भी जितना पॉजिटिव ऊपर को बन रहा था उतना ही नीचे को बन रहा है तो इट मींस दिस एंगल इज माइनस थीटा तो ये तो सबसे पहले आपको पहले ये मेन इसमें समझना है p' पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो ये p और p' डश को अगर हम जॉइन करेंगे तो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस ये y एक्सिस है ये एक्सिस के पैदल एक लाइन हमको मिलेगी और y एक्सिस के पैदल अगर एक लाइन मिलेगी तो इसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्सड रहेगा कांस्टेंट रहेगा तो यहां यह हम सीधा सीधा करें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और पैदल लाइन बन रही है तो इसका x कोऑर्डिनेट जो यहां पे है वही x कोऑर्डिनेट भी रहेगा यहां पे ये यह तो x ही रहेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा जितना ऊपर था उतना ही नीचे हमने लिया है तो ये माइनस का y हो जाएगा तो ये p डाएस के कोऑर्डिनेट्स हो गए अब इसको कंपेयर करते हैं एक्स किसके इक्वल है कॉस थीटा के वाई किसके इक्वल है साइन थीटा के जिसको भी इसमें कंफ्यूजन हो इससे पहले वाला वीडियो वो देखे वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको ये तो पी पॉइंट से हमको मिला है और क्यू पॉइंट से एक्स कितना हमको मिला कॉस थीटा अब थीटा यहां पे माइनस का है यानी कि कॉस माइनस थीटा और वाई इसका वाई कोऑर्डिनेट प्लस वाई ना होकर के माइनस वाई है तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो एक्स की वैल्यूज हैं इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इट मीन्स कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस थीटा एंड इसको कंपेयर करेंगे अगर हम तो ये माइनस को मैं यहां लिख सकता हूं माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर हम कहें कि इस माइनस को इधर लेके जाएं तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोनों कि कॉस में अगर आप थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता कॉस माइनस नाइन्टी और कॉस प्लस दोनों की वैल्यू सेम होंगी बट साइन माइनस जो हो जाएगा माइनस साइन नाइनटी हो जाएगा कहने का मतलब यह है कि थीटा को माइनस थीटा से अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं कॉस में तो आपकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा तो अगर आप किसी वेरिएबल को उसके नेगेटिव से चेंज करते हैं रिप्लेस करते हैं और फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज ना आए दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड ई फंक्शन ये ई फंक्शन हो गए और इसमें क्या हो रहा है हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू में चेंज आ रहा है और किसका चेंज आ रहा है सिर्फ माइनस का चेंज आ रहा है इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि कॉज थीटा इज इवन फंक्शन एंड साइन थीटा इज ऑड फंक्शन और इसको आपको याद भी रखना है कि कॉज में एंगल में अगर आप नेगेटिव के एंगल से रिप्लेस करेंगे तो उसकी फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता साइन में माइनस का चेंज आता है और ऐसे कोई इवन फंक्शन का मैं आपको और एग्जाम्पल दूं तो आप ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पर माइनस रखेंगे तो तब भी ये फंक्शन वही रहेगा लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अगर हम कर दें तो x की जगह पे माइनस एक्स यहां पर रखेंगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब तो फंक्शन में साइन का चेंज हो जा रहा है तो इस तरीके के फंक्शन ये भी ऑट फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया और ये किसका एग्जाम्पल हो गया ईवन फंक्शन का तो कॉज फंक्शन कॉज थिएटा इज ईवन फंक्शन एंड साइन थिएटा इज ऑट ऑट फंक्शन कैसे फंक्शन होंगे जिसमें आप वेरिएबल का साइन चेंज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू में भी निगेटिव आ जाएगा और इवन फंक्शन क्या होंगे जिसमें आप वेरिएबल का साइन अगर आप चेंज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा ये एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ इससे सर्कुलर सिस्टम से अब हम देखते हैं कि ये चार कोऑर्डिनेट्स कॉर्ड्रेंट्स हैं आपके पास इन चारों कॉर्ड्रेंट्स में कौन कौन से कॉर्ड्रेंट में किस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है किस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है इसी सर्कुलर सिस्टम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा तो स्टार्ट करते हैं इसको आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थीटा कहां से कहा वेरी कर रहा है जीरो टू पाई बाई टू जीरो टू पाई टू जा रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें किसी भी पॉइंट को अगर हम कंसिडर करते हैं इसके बाउंड्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी वाई भी पॉजिटिव होगा या आप नाइन्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये प्लस प्लस होता है ये एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है बोथ आर नेगेटिव एंड इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव और एक्स पॉजिटिव का मतलब एक्स किसके इक्वल था कॉस थीटा इट मीनस कोस थीटा इज पॉजिटिव साइन थीटा ये भी पॉजिटिव थीटा क्या होता है टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऊपर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव टेन थीटा इज पॉजिटिव टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा जब टेन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव कॉस का रेसिप्रोकल सेक्ट थीटा ये भी पॉजिटिव साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा ये भी पॉजिटिव इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव यह फर्स्ट क्वारेंट में है कहने का मतलब यह है कि अगर आप जीरो और नाइन्टी डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आप किसी भी टिक्नोमेट्रिक रेशियो में रखते हैं तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव होगी कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी ये फर्स्ट क्वारेंट में हमने देखा अब आते हैं सेकेंड क्वार में सेकेंड क्वार की बात करें तो थीटा कहां से कहां जा रहा है थीटा जा रहा है पाई बाई टू से पाई में और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्वारेंट निगेटिव हैस ऊपर साइन पॉजिटिव है कॉस निगेटिव है माइनस और पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा निगेटिव अगर टैन निगेटिव है तो ऑटोमेटिकली कॉड भी निगेटिव हो जाएगा कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव हो जाएगा साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक बस ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी निगेटिव यानी कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे इसके अलावा कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिलेगी कहने का मतलब यह है कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आप साइन या कोसा कोसेक की वैल्यू निकालेंगे ये तो पॉजिटिव आएगी और बाकी सारी वैल्यूज क्या आएंगी नेगेटिव आएंगी आते हैं थर्ड क्वार में थर्ड क्वार में देखिए आप वैल्यू पाई से थ्री पाई बाय पे जा रही है और दोनों वैल्यूज निगेटिव हैं तो साइन भी निगेटिव ये तो साइन ऑलरेडी निगेटिव चल रहा था अब यहां देखिए आप साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा कॉट भी पॉजिटिव आ जाएगा और बाकी ये भी क्या हो जाएगा अब तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव आ रहे हैं टैन और कॉट टैन कॉट ये दोनों पॉजिटिव आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में थ्री पाए टू से टू पाए कॉस ये पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो y कोऑर्डिनेट साइन थीटा था तो नेगेटिव हो जाएगा अब यहां देखिए टेन थीटा साइन अपॉन कॉस साइन तो नेगेटिव ये पॉजिटिव फिर से क्या आ जाएगा नेगेटिव टेन थीटा नेगेटिव है तो कॉड थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा कोस कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव कौन कौन आया एक सेक और एक कॉस कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये पॉजिटिव इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव तो कहने का मतलब यह है कि 270 डिग्री और 360 के, डिग्री के बीच में कॉस अगर आप निकालेंगे किसी भी एंगल का सेक uh, आप किसी भी एंगल का निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा तो बाकी सारी वैल्यूज क्या आ रहे होंगे निगेटिव आ रहे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए आगे की ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी सॉल्व करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वन बाय वन फंक्शन ईवन फंक्शन क्लियर होने चाहिए आगे हम देखेंगे आगे के में कि साइन थीटा, थीटा, थीटा।, थीटा, थीटा ये तो सबको पता है लेकिन ऐसा होता क्यों है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो क्यों होता है साइन नाइनटी प्लस थीटा क्या होगा कॉस 90 प्लस थ्री क्या होगा तो ये सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को ध्यान से देखें आप और अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहें